हिंदू मंदिर था नीचे, उसमें कई लोग मारे गए हैं, भारी पथराव हुआ है प्लस के और मुस्लिम लोगों के बीच में, क्या कहना चाहिए? वापसी हो, नारायण की स्थापना हो, बस यही हमारा कहना है। और ये SI को सर्वे करने दिया जाए, कानून को अपना काम करने दिया जाए, क्योंकि ये देश कुरान या कुरान से नहीं संविधान से चलेगा। अपनी संस्कृति को मानने का सबको अधिकार है, उनसे कह दीजिए संभल कर रहे, होश में रहे। इस हिंदू सनातन एकता यात्रा में सभी धर्मों के लोगों को आप साथ जोड़ रहे हैं? नहीं, सभी जाति के लोग, जाति के सभी धर्म। कितनी सफलता मिल रही है इसमें? बहुत मिल रही है, जो बची है वो मिलेगी। देश के कोने कोने में जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, जो सो रहे हैं उनको उनका अस्तित्व बताएंगे, भारत के अस्तित्व को बताएंगे, ताकि वो कास्ट प्रेमी बने। जी, बांग्लादेश में हिंदू इस समय सड़कों पर है, बांग्लादेश में वहाँ पर मुस्लिम माता पिता को परेशान कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? भारत में हिंदू नहीं लगे तो यही हाल 20 साल बाद भारत में होने वाला है। जी, बांग्लादेश भारत में होने वाला भविष्य। जी, अगर नहीं जागा तो राजी, इस यात्रा के बाद आगे आपका क्या प्लान है, ताकि सभी यात्रा करेंगे, हिंदुओं को जगाएंगे? जी, ताकि सनातन के सभी लोग इकट्ठा हो सके, यही यात्राएं करेंगे, लोगों को मिलेंगे, उनको उनका गौरव बताएंगे। राम कृष्ण ने जो भगवान राम भगवान कृष्ण ने किया, जो गीता के भगवान कृष्ण ने किया, सबरी के बेर खाकर प्रभु श्री राम ने किया, केवट को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, आज जो गुरु शंकराचार्य ने जो किया, रामानंदाचार्य ने रविदास रैदास और कबीर को जो मंत्र दीक्षा दी, उनको कार्य हम फिर से करवाएंगे। महाराज जी, आपने बोला था कि अभी तो 20% मुस्लिम जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, आने वाले समय में 50% बेटियों को ले जाएंगे। 50% होते ही बांग्लादेश से पूरी स्थिति भारत की होगी, इसलिए तो हम जगाने का कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। कैसे हो? सीताराम, बिटिया छोटी बच्ची को लाना, ये जो फोटो रुक जा दीजिए, छोटी बच्ची को लाओ, ये बूढ़े दादाजी जो तौलिया बांधे हैं पजामा को। कहाँ की हो? नो राखी के सांप की। क्या नाम है? कितने में पड़ती? आगे सुधाम आना, भेदभाव जात पात में नहीं पड़ना, ही अच्छे से रहना, पटकी दो बच्ची को। बच्चा राम राम। चलो आप लोग आगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहिए। कहाँ के हो? बढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा। कहाँ लगा थे? हिंदू बचे, हिंदू एक हो जे है, जात पात मिटे है। धन्यवाद। हाँ चलो चेला, राम राम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। हिंदू मंदिर था नीचे, उसमें कई लोग मारे गए हैं, भारी पथराव हुआ है प्लस के और मुस्लिम लोगों के बीच में, क्या कहना चाहिए? वापसी हो, नारायण की स्थापना हो, बस यही हमारा कहना है। और ये SI को सर्वे करने दिया जाए, कानून को अपना काम करने दिया जाए, क्योंकि ये देश कुरान या कुरान से नहीं संविधान से चलेगा। अपनी संस्कृति को मानने का सबको अधिकार है, उनसे कह दीजिए संभल कर रहे, होश में रहे। इस हिंदू सनातन एकता यात्रा में सभी धर्मों के लोगों को आप साथ जोड़ रहे हैं? नहीं, सभी जाति के लोग, जाति के सभी धर्म। कितनी सफलता मिल रही है इसमें? बहुत मिल रही है, जो बची है वो मिलेगी। देश के कोने कोने में जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, जो सो रहे हैं उनको उनका अस्तित्व बताएंगे, भारत के अस्तित्व को बताएंगे, ताकि वो कास्ट प्रेमी बने। जी, बांग्लादेश में हिंदू इस समय सड़कों पर है, बांग्लादेश में वहाँ पर मुस्लिम माता पिता को परेशान कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? भारत में हिंदू नहीं लगे तो यही हाल 20 साल बाद भारत में होने वाला है। जी, बांग्लादेश भारत में होने वाला भविष्य। जी, अगर नहीं जागा तो राजी, इस यात्रा के बाद आगे आपका क्या प्लान है, ताकि सभी यात्रा करेंगे, हिंदुओं को जगाएंगे? जी, ताकि सनातन के सभी लोग इकट्ठा हो सके, यही यात्राएं करेंगे, लोगों को मिलेंगे, उनको उनका गौरव बताएंगे। राम कृष्ण ने जो भगवान राम भगवान कृष्ण ने किया, जो गीता के भगवान कृष्ण ने किया, सबरी के बेर खाकर प्रभु श्री राम ने किया, केवट को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, आज जो गुरु शंकराचार्य ने जो किया, रामानंदाचार्य ने रविदास रैदास और कबीर को जो मंत्र दीक्षा दी, उनको कार्य हम फिर से करवाएंगे। थैंक यू।
महाराज जी आपने बोला था कि अभी तो 20% मुस्लिम जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, आने वाले समय में 50% बेटियों को ले जाएंगे। 50% होते ही बांग्लादेश से पूरी स्थिति भारत की होगी, इसलिए तो हम जगाने का कार्य कर रहे हैं। कैसे हो? क्या नाम है आपका? पवन नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दमो। कहाँ से आए हैं, क्या किसी यात्रा में, किस तरह से, कितने दिन हो गए पैदल चलते चलते, क्या हुआ? हम लोग 21 नवंबर से 29 नवंबर तक आए और छा जा रहा है बागेश्वर धाम से। किस तरह की है आपकी यात्रा, कितने किलोमीटर तक चल चुके हैं आप? अभी 160 किलोमीटर की यात्रा है, अभी लगभग 100 के आसपास, 100 किलोमीटर के आसपास अभी चल चुके हैं, अब थोड़ा 160 किलोमीटर की यात्रा और रहेगा ही बस। यात्रा के अनुभव कैसे रहे आपके, दिन और रात के बताएं? अनुभव बहुत अच्छे रहे, हम लोगों के रहने की व्यवस्था मस्त है, खाने की व्यवस्था है, कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, सब बढ़िया सुरक्षित व्यवस्था है, सही व्यवस्था है। क्या चाहते हैं आप, क्या किस उद्देश्य से निकल कर आए हैं? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र था और घोषित होकर रहेगा। कैसे बनेगा ये बताएं आप? भारत हिंदू राष्ट्र जब सभी सनातनी भारत के हिंदुओं को माथे पर तिलक लगाएंगे और सभी एक सड़क पर हर यात्रा करेंगे, दिल्ली से वृंदावन की यात्रा होनी है, दूसरी यात्रा गुरु बागेश्वर धाम का, गुरुदेव भगवान की चार यात्राएं होनी है, उसमें सभी यात्राओं में हम लोग शामिल होंगे और इसी यात्राओं को चलते माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे, जब सनातनी सभी जग जाएंगे उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा और घोषित होकर रहेगा। क्या सर तिलक लगाने से सनातनी हो जाएंगे, हिंदू एक हो जाएंगे? हिंदू हाँ एक हो जाएंगे, जात पात से पे तोड़ो नाता, सब है हमारे भाई नाता, जात पात भेदभाव से छूटना है हमको और हिंदुओं को एक होना है, जात पात नहीं करना है, हिंदू सनातन पहले से था और है और रहेगा। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम जी कहाँ से आए हैं आप, कैसे? बागेश्वर धाम से पैदल आई हूँ मैं, ओरछा धाम तक पैदल जाना है। कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके अभी तक आप? अब ये तो पता नहीं है, शायद 100 किलोमीटर दूर होगा, कन्फर्म पता नहीं, बट आ गई गुरुदेव के साथ आई हूँ। कैसी व्यवस्था है आपकी? बहुत बढ़िया, ऐसा कभी मेरे को कभी लाइफ में आज तक इतनी बड़ी हो गई कभी फील नहीं हुई, जितना खुशी मुझे यहाँ पे आने से हुई है गुरुदेव के साथ में। थकान कैसी महसूस? बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ बालाजी सरकार चल रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि मतलब चल रही हूँ या नहीं चल रही, घर पे रहती हूँ बाजार जाती हूँ थक जाती हूँ, थोड़ा चलती हूँ तो थक जाती हूँ, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है कि मतलब चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ, और मेरे गुरुदेव जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा आज तक किसी ने किया भी नहीं है, और उनका सभी लोगों को साथ देना चाहिए कोई भी हो। किस तरह का साथ देना चाहिए, क्या हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में? हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, सनातन धर्म एक होना चाहिए। उन्होंने कहा सभी हिंदू सभी जाति एक होंगी, करो विदाई हम सब हिंदू भाई भाई, जात की करो विदाई हम सब हिंदू भाई भाई। सर आप छतरपुर से लेकर और ओरछा तक यात्रा के लोटा संभाली हुए, क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी की यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था में अंदर के घेरे में है, पुलिस में लगा हुआ है, चूँकि यात्रा में श्रद्धालु अचानक से महाराज जी के पास आ जाते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो पुलिस व्यवस्था इस हिसाब से की गई है। सर साइड हो जाइए, क्या बोलूँ आप, रास्ते में सुनने आया कि मोबाइल फेंका गया था, क्या था महाराज जी ने? मोबाइल फेंकने की घटना सही नहीं थी, मोबाइल एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था, फूल फेंकते समय दूसरे का हाथ उसमें पड़ गया जिससे मोबाइल फेंक के अंदर की तरफ आ गया है, और अन्य सब हमले जैसी कोई बात नहीं थी उसमें। करो विदाई हम सब हिंदू भैया, हरो राम राम, हर हर मध्य प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की कितनी संख्या लगी हुई? मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में लगभग 700-800 के लगभग का पुलिस बल लगा हुआ था, रिजर्व मिला के लगभग 1000 था, और उत्तर प्रदेश में ही बता रहे हैं कि लगभग 1200 का बल लगा हुआ है। महाराज जी के बाउंसर भी बोले हैं जी, महाराज जी के सेवादार भी हैं, उनके PSO भी हैं, और एक सिक्योरिटी टीम बाहर से भी आई हुई है जिसमें लगभग 50 बाउंसर हैं। MP में अब निवाड़ी जिले की भी पुलिस आ गई है, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड IG साहब ने पूरे जोन से पुलिस बल दिया गया है, तो निवाड़ी जिले का भी बल लगा हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।